Hello friends, welcome to the new video in this series Know Your MBA College, that is basically NMIMS. So friends, NMAT ka notification ek tarike se aa chuka hai. Unhone tentative date sheet aur schedule sab nikal diya hai, registration ka, exam window ka, sab kuch iske upar already hum window bana chuke hai. Iske upar already video aapke paas aa chuki hai. So ab I thought it would be appropriate ki main aap logo ke sare doubts NMIMS ko leke clear kar dun. So इस वीडियो के अंदर मैं सब कुछ बताने वाला हूँ आपको NMIMS से रिलेटेड. सो माय नेम इज अनुभव गुप्ता, लेट स्टार्ट. फ्रेंड्स, इससे पहले हम स्टार्ट करें, आई विल रिक्वेस्ट यू आर प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए. और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, इसको जरूर फॉलो कर लेना बिकॉज इस पे डेली बेसिस पे बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हम पोस्ट करते हैं, करंट अफेयर्स को रिलेटेड, न्यू वर्ड्स को रिलेटेड, एग्जाम्स की अपडेट्स, तो ये सब चीजें हम इसके ऊपर डेली बेसिस पे डालते रहते हैं. तो यार इसको जरूर फॉलो कर लेना. और यहाँ पे हम वन टू वन डाउट सेशन भी लेते हैं, तो इसको भी आप कर सकते हो. और इसी की तरह फ्रेंड्स, हमारा एक ये पेन ड्राइव कोर्स भी है, इसके बारे में अगर आपको डिटेल चाहिए तो ये हमारी वेबसाइट है www.studywiz.co.in, यहाँ पे जाके आपको साइट डिटेल्स भी मिल जाएंगी और आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो. तो ये अब चलते हैं फ्रेंड्स नारसी मोंजी के बारे में. तो फ्रेंड्स, नारसी मोंजी काफी ज्यादा फेमस कॉलेज है, बच्चों के माइंड में हमेशा एक डाउट रहता है कि सर नारसी मोंजी हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, NMIMS का हमें फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो ये सब चीजों को देख लेते हैं. तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो बच्चे MBA एस्पिरेंट है उनके लिए मेजरली तीन कैंपसेस है नारसी मोंजी के NMIMS के. एक है मुंबई जो सबसे फेमस है, फिर है बेंगलुरु और हैदराबाद. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली मुंबई के बारे में बात करने वाले हैं, बेंगलुरु और हैदराबाद के बारे में भी मैं आगे सबसीक्वेंट वीडियोस के अंदर बताता रहूंगा. ये इनका फेमस मुंबई वाला है, ये है बेंगलुरु वाला, ये है हैदराबाद वाला इनका कैंपस, लेकिन सबसे फेमस इनका जो है वो मुंबई वाला कैंपस है. तो फ्रेंड्स, एक बार इससे पहले आप अप्लाई करो तो एक बार मैं आपको एजुकेशनल बैकग्राउंड भी बता दूं कि यार जो NMIMS में जिन बच्चों का एडमिशन हो रहा है वो बेसिकली कौन कौन से फील्ड से आ रहे हैं. तो फ्रेंड्स, काफी अच्छा बच्चा, काफी मेजोरिटी ऑफ बच्चा बीटेक से आ रहा है, फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर कॉमर्स का, मैनेजमेंट का, आर्ट साइंस एंड अदर से, हर स्ट्रीम से बच्चा यहाँ पे आ रहा है. हाँ, थोड़े से बीटेक के बच्चे ज्यादा है, लेकिन अगर आप ऑल्टरनेट स्ट्रीम्स में हो तो आप ये मत सोचना कि आपके चांसेस कम है, सबके चांसेस इक्वली है. उसके बाद फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम इस वीडियो के अंदर हम जो बात करने वाले हैं वो बेसिकली दो प्रोग्राम्स के बारे में बात करने वाले हैं, MBA के बारे में और MBA इन HR के बारे में. इस वीडियो के अंदर फ्रेंड्स, अगर आपको हम इन प्रोग्राम्स के बारे में वैसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अगर आपको इनके बारे में डिटेल चाहिए तो आप नारसी मोंजी की वेबसाइट पर जाके इनकी डिटेल्स ले सकते हो, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट की, एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस की, एग्जीक्यूटिव MBA की, MBA इन लॉ की, इन सब की आपको डिटेल्स चाहिए तो आप जाके नारसी मोंजी की वेबसाइट के ऊपर ले सकते हो. तो फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी बता देता हूँ यार इसका. तो नारसी मोंजी में आपको अप्लाई अगर करना है तो मिनिमम 50% आपके एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, उसके बाद NMAT आपको देना पड़ेगा और कोई एग्जाम ये एक्सेप्ट नहीं करेगा. और जो बच्चे फाइनल ईयर इन दी ग्रेजुएशन, फाइनल ईयर में है जो ग्रेजुएशन के, वो भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, यानी कि जो बैचलर्स डिग्री के फाइनल ईयर के अंदर है वो भी अप्लाई कर सकते हैं. और फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बता दूं, मेयरली आपने NMAT का फॉर्म भरा है उससे आप NMIMS के लिए एलिजिबल नहीं हो जाओगे. अगर आपने NMAT का फॉर्म भरा है और तो आपको NMIMS का भी हर बार, जितनी बार भी आप NMAT दोगे, तीन बार आप NMAT दे सकते हो, तो जितनी भी बार आप NMAT दोगे आपको नारसी मोंजी का फॉर्म सेपरेटली फिल करना पड़ेगा. अगर आप नारसी मोंजी का NMIMS का फॉर्म नहीं भरोगे तो अगर आपका चाहे NMAT में स्कोर आ भी जाए तो भी आपको एडमिशन के लिए कंसिडर नहीं करा जाएगा. तो जितनी बार NMAT का फॉर्म भरोगे उतनी बार NMIMS का फॉर्म भी आपको अलग से भरना पड़ेगा. तो फ्रेंड्स, एक बार NMAT के बारे में बता दूं यार, NMAT का एग्जाम ऐसे एग्जाम है, इसके अंदर बिल्कुल भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और टोटल इसमें 120 क्वेश्चंस आते हैं, हर करेक्ट क्वेश्चन के तीन मार्क्स मिलते हैं और इनकरेक्ट के लिए तो कोई नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं. तो यानी कि टोटल 360 मार्क्स का ये पेपर है, ठीक है. 120 क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं, लैंग्वेज स्किल्स के 32 क्वेश्चन, क्वांट के 48 क्वेश्चन, लॉजिकल के 40 क्वेश्चन, ठीक है. तो अप्रोक्सीमेटली ये 120 क्वेश्चन हो गए. और जो फ्रेंड्स इसकी कट ऑफ रहती है, वैसे तो इसकी हर साल NMIS मुंबई की 210 कट ऑफ रहती है, लेकिन 2018 में कट ऑफ फॉल हो गई थी एक मार्क से, तो इसकी अप्रोक्सीमेट कट ऑफ आई थी 2009. तो फ्रेंड्स, अगर आप NMIMS को टारगेट कर रहे हो तो आपका टारगेट 210 प्लस मार्क्स का होना चाहिए ताकि आप श्योर रहो कि यार आपको NMIMS मुंबई से कॉल आ जाए. और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं
कि यार अगर आप एनमैट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, एनमैट के लिए रजिस्टर करना चाहते हो, तो अर्ली रजिस्ट्रेशन कर देना, बिकॉज वैसे तो एनमैट की जो फीस है सिर्फ एनमैट की वो 2500 रुपीज है, लेकिन अगर आप अर्ली रजिस्ट्रेशन करते हो तो ये फीस 2000 रुपीज हो जाएगी, और ये इनकी वेबसाइट पे मेंशनड है। तो आप जाके अगर आपको फॉर्म भरना ही है तो लेट भरने से अच्छा है आप अभी भर दो और आपके 500 रुपीज इसमें सेव हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, एडमिशन प्रोसीजर क्या है NMIMS का, कि कैंडिडेट्स को सबसे पहले सिलेक्ट शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनमैट स्कोर, जो कि अप्रोक्सीमेटली 209-210 के आसपास रहता है। उसके बाद उनको सेकेंड राउंड के अंदर बुलाया जाएगा, दैट इज बेसिकली केस डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे GD नहीं होता है, यहाँ पे बेसिकली केस स्टडी और केस डिस्कशन का राउंड होता है, और उसके बाद एक फाइनल कॉम्पोजिट स्कोर निकाल के फाइनल सिलेक्शन होती है। तो फ्रेंड्स, एक बार फी स्ट्रक्चर और इन सब चीजों के बारे में भी बात कर लें, तो फ्रेंड्स जो MBA और MBA इन HR का जो रफली फी स्ट्रक्चर है, दैट इज समवेयर अराउंड 17.5 लाख रुपीज, और इसके अंदर अगर हम मिसलेनियस एक्सपेंसिस भी एड कर दे 2 साल के, तो 5-7 लाख रुपीज इसके अंदर अगर हम मिसलेनियस एक्सपेंसिस एड कर देते हैं, तो जो टोटल लैंडेड कॉस्ट है 2 ईयर्स की, वो अप्रोक्सीमेटली है 24-25 लाख रुपीज के आसपास की। तो फ्रेंड्स, अगर आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो, तो अब आपका अगला क्वेश्चन होगा कि यार रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, मेरी यहाँ से प्लेसमेंट कितने की लग जाएगी। तो फ्रेंड्स, एक एक करके देखते हैं। तो जो इनका MBA प्रोग्राम है, जो एवरेज CTC है, तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, इसका बैच साइज थोड़ा बड़ा होता है, अप्रोक्सीमेटली 500 स्टूडेंट्स से आसपास का, 500 प्लस का ही इनका बैच रहता है। तो इतने बड़े बैच का अगर हम देखें तो काफी अच्छा एवरेज CTC है। जो एवरेज CTC है, दैट इज समवेयर अराउंड 17.6 लाख रुपीज। जो हाईएस्ट CTC है, दैट वाज 30 लाख रुपीज। जो टॉप 300 के अंदर बच्चे आते हैं, उनका है 20.45, और जो टॉप 120 बच्चे है, उनका है अप्रोक्सीमेटली 26 लाख रुपीज के आसपास का उनका ये फी स्ट्रक्चर है, प्लेसमेंट है 25.59 लाख रुपीज की। और MBA इन HR के बारे में फ्रेंड्स बात करें, तो जो एवरेज है उसका, दैट इज समवेयर अराउंड 14.13 लाख रुपीज, और जो हाईएस्ट है वो 18 लाख रुपीज है। तो फ्रेंड्स, HR की जो प्लेसमेंट्स है वो कंपैरेटिवली कम है, ठीक है, इनकी नॉर्मल MBA से, लेकिन फिर भी अगर आपका इंटरेस्ट है HR की तरफ, तो भी आप HR की तरफ जा सकते हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आप बिना इंटरेस्ट का काम करोगे तो उसको करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप 25 लाख रुपीज खर्च कर रहे हो और उसके बाद भी आप अपनी पसंद का काम नहीं कर रहे हो, तो फिर बिल्कुल बेकार है। तो अगर आपको MBA इन HR में इंटरेस्ट है, तो ये मत देखना कि आपकी इनिशियल स्टेजेस में सैलरी कम है, तो फ्यूचर में बढ़ भी जाएगी। और अगर आपका जनरल MBA में मन है, तो आप बिल्कुल जनरल MBA के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और इसमें एडमिशन ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ था NMIMS बॉम्बे के बारे में, मुंबई के बारे में। मैं फ्यूचर में और भी वीडियोस बनाता रहूंगा अलग अलग कॉलेजेस के बारे में। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हो। ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, इसको जरूर फॉलो कर लेना। इसके बाद अगर आपको कोई लाइव बैच की या पेन ड्राइव की डिटेल्स चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हो, हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो, और इसके अलावा अगर आपको कोई डिटेल में डाउट है, तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स अ लॉट।